नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सरकार में वापस लौटने और मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ द्वारा ध्वजारोहण करने का ऐलान करते हुए भाजपा को चुनौती दी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से भाजपा को यह चुनौती दी है। पार्टी ने कहा है कि भाजपा उपचुनाव तक खैर मना ले, इसके बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण करेंगे। गौरतलब है कि पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद इसी तरह का बयान कांग्रेस ने 15 अगस्त को ध्वजारोहण को लेकर जारी किया था, जिसमें 15 अगस्त 2020 को कमलनाथ के मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण की बात कही गई थी। मध्य प्रदेश में अब कोई भी सरकारी कार्य बेटी की पूजा करने के बाद ही शुरू किया जाएगा। इसमें सरकारी योजना की शुरुआत और सरकारी कार्यक्रम शामिल रहेंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड मैदान के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की। इससे पहले उन्होंने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। शिवराज ने कहा कि मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप दिए जाएंगे। ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा कर्दनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, पावस के कुंतल मेघ, काले काले मेघ इसकी कुंतल केश राशि है, सागर इसके चरण पखाड़ता है, सूर्य और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहां का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहां का बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है, यहां का बच्चा बच्चा हमें प्यारा है, यहां का जन जन हमें दुलारा है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। पर मरने के बाद अगर हमारी अस्थियां गंगा जी नर्मदा जी में विसर्जित कर दी गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश को आजाद हुए 74 साल हो गए हैं। शनिवार को राजधानी भोपाल सहित पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व मनाया गया। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने प्रजातंत्र और संविधान को सुरक्षित रखें। जिस प्रकार से हमारे संविधान के कितने प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था उन्होंने एक स्वच्छ साफ सिद्धांतिक राजनीति में देश का उनका नजरिया था। जो आज के हालात हैं क्या उनके सपने और उनके सोच के अनुसार है, आज गंभीरता से हमें इस पर अध्ययन करना है। ये आज बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सौंपना चाहते हैं, कैसा देश सौंपना चाहते हैं, कैसा प्रजातंत्र देश सौंपना चाहते हैं, कैसा संविधान सौंपना चाहते हैं, ये आज प्रश्न हमारे सामने। बुजुर्ग हुए, महिलाएं हुए, माताएं हुए, बहनें हुए, आज सब को मैं यही निवेदन करता हूं, आज 15 अगस्त को ये संकल्प लें कि ये तस्वीर अपने सामने रखकर सच्चाई का साथ दें। भोपाल से EMS टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी प्रदेश और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि देश में आजादी से लेकर अब तक बहुत कुछ बदला है। पहले जहां देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, अब वहां भारत विश्व में अपना सिक्का जमा चुका है। हमारे देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और हम याद करते हैं उन लोगों को जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपने प्राण न्यौछावर किए।
सारा जीवन लगा दिया, जेल की यातनाएं सही, उन सभी के त्याग से, बलिदान से ये देश आजाद हुआ। आजादी से लेकर आज तक बहुत कुछ देश में हुआ है। एक समय वो था कि यहाँ देश में सुई तक नहीं बनती, आज भारत विश्व में अपना सिक्का जमा चुका है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ ना बनती। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें वादा किया था हम देश को आत्मनिर्भर बनाए, और बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े बांध और सही नीतियों को चलते हुए उन्होंने हमें न केवल आत्मनिर्भर बनाया लेकिन विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में हमें लाकर खड़ा किया। मैं आज इस अवसर पर आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और जिस प्रकार से देश को आज़ाद कराने में हमारे लाखों लोगों ने त्याग किया, यातनाएं सही, बलिदान दिया, उनसे सीख लेते हुए हमें देश के लिए हर तरह से प्रयास करना चाहिए। एक समर्पण भावना से हमें देश को और तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आपको सबको हार्दिक शुभकामना। अजाक संघ मध्य प्रदेश द्वारा सेकंड स्टॉप स्थित संघ के प्रदेश कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी जेएन कंसोटिया, भोपाल जिला अध्यक्ष अशोक बैन सहित कई पदाधिकारी ध्वजारोहण के समय मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद तमाम पदाधिकारियों ने संघ के विस्तार और विकास को लेकर चर्चा भी की। देखिए, ऐसा है, ये 74वीं जो वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं पूरे देश में, निश्चित तौर पर कोरोना जो महामारी फैली हुई है, आज हम सब लोगों ने बहुत कम संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए आज भारत स्वतंत्र हुआ था उसकी वर्षगांठ हम लोग ने मनाई, बहुत हंसी खुशी से मनाई है। और मैं पूरे प्रदेशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी है उससे अपने आप को बचाते हुए प्रदेश और देश की उन्नति में भागीदारी बने, और जो जहाँ है जिस कर्तव्य में है पूरी ईमानदारी से काम करें, यही देश की स्वतंत्रता की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। लघु वेतन कर्मचारी संघ ने कोरोना के चलते कम संख्या में अपने पदाधिकारियों के साथ ध्वजारोहण किया और देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा कर्मचारी भवन गीतांजलि चौराहा भोपाल में झंडा वंदन का आज ये कार्यक्रम किया है। चूँकि भोपाल जिले में ही करीबन नहीं तो 10,000 चतुर्श्रेणी कर्मचारी हमारे हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण हम लोगों ने मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम 10 या 15 लोगों को ही यहाँ बुलाया गया है ताकि इस भीषण महामारी से बचा जा सके। आज पूरे मध्य प्रदेश में जिला कार्यालयों में झंडा बंधन लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा हो रहा है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पहले कर्मचारी संघ के समस्त पदाधिकारियों ने हाथों को सैनिटाइज किया और इसके बाद भारत माता की फोटो पर पूजा अर्चना करने के बाद तिरंगा झंडा फहराया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ शासन से मान्यता प्राप्त संगठन है। हम लोगों के शासन के जो नियम है उनको कानूनों को दृष्टिगत रखते हुए सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं, और निश्चित रूप से कोरोना जैसी महामारी और संकट के समय में मैं तो कर्मचारी का मुख्य दायित्व हो जाता है। हम लोग कानूनों का पालन भी कराते हैं, नियमों का पालन कराते हैं, हम लोग दिशा निर्देश जो शासन से मिलते हैं उनका अनुसरण करते हैं। तो आज जो हम लोगों ने झंडा वंदन किया है तो सीमित संख्या में किया है, कोशिश की है कि कम से कम संख्या हो, और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक तो मास्क हमारा प्रत्येक सदस्य लगाए हुए है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा प्रांगण में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जहां ध्वजारोहण होने के बाद राष्ट्रगान किया गया। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर शिवसेना ने भी ध्वजारोहण किया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट स्थित जीटीबी कॉम्प्लेक्स में शिवसेना कार्यालय के बाहर ध्वजारोहण किया। शिव सैनिकों ने ध्वजारोहण करने के साथ ही भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों को फूल माला पहनाकर उनका सम्मान भी किया।
आज हम लोगों ने यहाँ पे 74वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमारे यहाँ पे कर्नल साहब ने झंडा फहराया है, और हम लोगों ने जो पुराने हमारे कर्नल साहब हैं सैनिक रहे जिन्होंने देश की रक्षा की और बॉर्डर पे तैनात रहे, उनको हम लोगों ने आज सम्मानित किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।